सुशीला, मेरा नाम सुशीला है। मैं चंबूर की रहने वाली हूँ, चंबूर स्टेशन के इधर से। इन लोग की इधर आती है तो रिक्शा चलाते हैं हम लोग, तो ये लोग रिक्शा वाले को पूरा जन का खाना देते। आज भी मैं एक भाजी लेके आई थी तो उन लोग ने खाना दे दिया, इतने ही खाना देते हैं। और रोज डेली आती है मैं इन लोग के इधर, तो ज़रूरी तो है ना। अभी लोगों को कोई कोई लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो वो दे रहा है तो अच्छी बात है ना, किसी को भूखा तो नहीं मार रहे ना, इसके लिए तो वो लोग दे रहे हैं। उनके ही भगवान तो उनको अच्छा करेंगे ना, दे रहे तो अच्छे होना चाहिए ना। अभी देखो सब लोग इधर उधर जाके बांट रहे तो वो लोग भी दे रहे बेचारे, उन लोग को और आशीष मिलेगा ना अपने लिए। सद्गुरु हॉटेल मध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून जसं नरेंद्र मोदी ने लॉकडाऊन ह्या सरकारने केल्यापासून सद्गुरु हॉटेलचे मालिक आणि त्यांची सगळे कर्मचारी गोरगरिबांची कम से कम दिवसाचे 10,000 पाकिट आणि आतापर्यंत त्यांनी बरोबर लोकांना 4,000-5,000 जशी जशी लोक येतात तशा पद्धतीने गोरगरिबला अन्न वाटप करण्याचं काम, चांगलं भोजनदान देणं, हा काम हा काळाने अशी वेळ आणल्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टी असे जे काही मोठे मोठे उद्योगपती आहेत आणि सद्गुरु हॉटेलचं गेल्या अनेक वर्षापासून गोरगरिबाला हमेशा मदत करायला आले करणारं हॉटेल आहे आणि त्या ठिकाणचे त्यांचे मालिक देखील गरिबीतनं वरी आल्यामुळं त्या गोष्टीची जाणीव असल्यामुळं हे हॉटेल हे सद्गुरु हॉटेल दोन्ही ह्याने लोकांना गोरगरिबांना चांगल्या पद्धतीची मदत चालू आहे आणि गेल्या 10-12 दिवसापासून त्यांनी रोजचे कम से कम आतापर्यंत 20,000 ते 25,000 पाकिट वाटप केलं असेल आणि ह्याच्या पुढं पण ती सदैव गोरगरिबांना हमेशा मदत करत आलेली आहेत आणि ह्याच्या पुढं देखील जोवर हे लॉकडाऊन खुलत नाही तोवर ती मदत करण्याची त्यांची इच्छा आहे आणि ती हमेशा करत राहतील। जब से भारत में महामारी का जब से हुआ है करके और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारे वार्डों में हर जगह ये कार्यक्रम भोजन वाटप का कार्यक्रम चल रहा है करके, हमने पांजरा पुल, अशोकनगर, हर जगह और हर वार्ड में आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे सद्गुरु में भी भोजन वाटप का डेली 2,000 पैकेट यहाँ से जा रहे, लोगों को मदद हो रही है। मदद हर लोगों को, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी परेशानी का समय है करके, यही समय होता है जब लोगों के लिए बाहर निकल के मदद करने का समय होता है। फिलहाल अभी हम लोग को ये शुरू 23 को हमने शुरू किया था, तो 23 को हमने शुरू किया था, वी स्टार्टेड लाइक 200 पैक से शुरू किया था। आज हम लोग को 14 दिन पूरा हो गया, 20,000 पैक्स हम लोग ने प्लस दिया है अभी तक दोपहर तक। तो इसमें लोगों के फ़ोन से जैसे नंबर आया, मुझे शताब्दी हॉस्पिटल से कॉल आया कि हमारे डॉक्टर्स लोग को खाना चाहिए, दूसरे 2-3 हॉस्पिटल से आया, आईडीए के एनिमल हॉस्पिटल से आ रहा है, गोवंडी पुलिस चौकी, आरसीएफ, यहाँ वहाँ जिससे पुलिस आ रहा है, जहाँ से भी उनको खाना चाहिए, हम सब जगह से खाना हमारे साइड से मदद करके उनको दे रहे हैं। तो आ रहे उनके लोग आ रहे हैं, यहाँ से खाना पिकअप करके लेके जा रहे हैं। तो ये सिर्फ बाइट टू बाइट, टॉक टू टॉक, माउथ टू माउथ चलते गया कि यहाँ खाना मिल रहा है, इनसे खाना उठाया लिया जाए, तो ये हो रहा है। और सब जगह से, जैसे गोवंडी से आया, घाटकोपर से आया, आपके आरसीएफ साइड से आ रहे हैं, आपके बीआरसी से आ रहे हैं, जिधर से लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे, शिवाजी नगर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, जिधर से खाना यहाँ पे आते हैं, रिक्शा में खाना भर के आप लेके जाते हैं। तो ये चल रहा है अभी फ़िलहाल, अभी आज 14 डे पूरा हो गया है। तो चलो अभी जब तक अभी लॉकडाउन शुरू नहीं होता तब तक, अभी जैसे अभी ये ख़त्म नहीं होता लॉकडाउन, उसके बाद देखते तब तक अगर हिम्मत है तो करते जाएंगे। अच्छा तो लग ही रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि अच्छा भी लग रहा है, थक भी गए, सब कुछ हो रहा है, मिक्स फीलिंग्स है। मैं चाहता कि बैक टू ट्रैक आ जाए सब कुछ, कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाए, सबकी आम ज़िंदगी शुरू हो जाए, बैक टू ट्रैक आ जाए, कि हमें ये ज़्यादा देर चलाना का ज़रूरत ना पड़े और लोग अपनी वैवाहिक जीवन में वापस आ जाए। ये तो चल रहा है पहले दिन से ही और आज 14 दिन हो गया है। स्थिति तो ऐसी है कि चेंबूर वासियों के मदद से और सबके आशीर्वाद से हमने आज 14 डे हो गए हैं, 20,000 से ज़्यादा पैकेट्स दिए हैं और ऐसा है कि हमने किसी को मना नहीं किया है। ऑल ओवर चेंबूर, क्या गोवंडी से, कुरला से, वासीनाका से, मैं बोलता हूँ वडाला से भी लोग आए हैं। ये कैसे उनको मालूम पड़ा कि जो सोशल साइट्स में और हमने मैसेज फॉरवर्ड किए वो मैसेज इतने फॉरवर्ड हो गए हैं कि हम लोग को ऑल ओवर ये साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी लोग को हमने पैकेट पहुँचाए हैं। और ऐसे भी अभी हमारे पास वॉलंटियर्स जो है जो हेल्प कर रहे हैं हमको, कि वो कुछ जगह जाके चुन रहे हैं जहाँ पे बेसिकली बहुत ही ज़रूरतमंद रहते हैं और जिनकी रोज़ी रोटी रुक गई है, तो उनको भी हम लोग पैकेट पहुँचा रहे हैं उनके, हमारे वॉलंटियर के थ्रू।
तो वॉलेंटियर आ रहे हैं, कोई 50 नंबर दे रहे हैं, उन्होंने नाम और लिस्ट निकाला है 50-100 जन आदमी लोग का या जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, उनको डेली का प्रोवाइड कर रहे हैं हम पैकेट फूड, वो भी एक एक टाइम का नहीं, दोनों टाइम का, सुबह लंच, दोपहर को लंच और रात को डिनर का। बस चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से, और चलेंगे, कोशिश करके करेंगे पूरा लॉकडाउन, और हमेशा भी कर सकते हैं ऐसा।